हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना दिवाली लुक। ये है मेरा दिवाली लुक एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। बहुत ही सिंपल एंड क्विक मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है जो आप दिवाली में कर सकते हो। मैंने बेसिकली साड़ी पहना है एंड रेड कलर की है, इसलिए मैंने थोड़ी सी रेड लिपस्टिक एंड आई शेडोज रेड रखे हैं, बट आप जो भी पहनोगे आप उसके तरह कस्टमाइज कर सकते हो। सूट एंड साड़ी के बिना दिवाली बहुत ही अधूरा है, बिकॉज मैंने साड़ी नहीं पहना था तो मैंने सोचा कि आज मैं साड़ी पहनूंगी दिवाली पे। एंड हाँ, घर को मैंने बहुत ज़्यादा चमकाया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने करी है, तो मैंने सोचा खुद को क्यों ना चमकाया जाए। तो आप लोग भी यही सोचना, लड़की हो तो प्लीज अगर घर चमका रहे हो तो खुद को भी चमकाना मत भूलना, बहुत अच्छे अच्छे मेकअप करना है। मेकअप करने से पहले फेसियल हेयर को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक फ्लॉलेस मेकअप के लिए। तो यहाँ पे मैं वैक्सट्रोप यूज़ कर रही हूँ। आईब्रोज़ को मैंने रेजर से रिमूव किया है, देन मैंने यहाँ पे नीविया का फेस वॉश यूज़ किया है, इससे मेरा फेस हाइड्रेट हो गया था टू बी ऑनेस्ट। देन मैंने यहाँ पे न्यूट्रीग्लो का एप्पल ग्रीन एप्पल टोनर यूज़ किया, ये भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन फील दे रहा था मेरे को। एंड ये जो होता है ना विंटर्स में मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, अगर मैं बिना स्किन केयर के मेकअप करूँ ना तो मेरा पूरा स्किन फटाफटा दिखेगा। देन मैंने यहाँ पे जॉय का अल्ट्रा लाइट जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। ये एक मॉइस्चराइज़र तो है बट आपके फेस पे इतना लाइट वेट रहता है ना कि आप फील नहीं करोगे कि आपने कुछ ऑयली फेस पे कुछ लगाया है। तो टू बी ऑनेस्ट मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी, ये बजट फ्रेंडली एंड बहुत ही अच्छा सुपर क्वालिटी में था। देन मैंने लिप बाम यूज़ किया बिकॉज लिप बाम भी बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होता है विंटर्स के मेकअप में। देन मैंने मार्स का यहाँ पे फेस प्राइमर यूज़ किया है। प्राइमर एक ऐसा चीज़ है ना गाइस कि अगर आप कोई भी मेकअप कर रहे हो तो इसे करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, बिकॉज़ ये आपके मेकअप को बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग रखता है और आपके फेस पे एक क्रैकी इफेक्ट नहीं देता है। देन मैंने यहाँ पे निक्स का और मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन यूज़ किया है और इसमें मेरा सेड येलो अंडरटोन में आ। ये निक्स का एक बोतल मैंने 1300 का परचेस किया था, बट अगर आप इतना महंगा नहीं लेना चाहते हो तो आप मेबलिन और वेट एंड वाइल्ड का ले सकते हो जो कि अराउंड 300 to 400 में आ जाता है, तो वो बजट फ्रेंडली है। जब मैं टीनेज में थी ना तो मैं दूसरों को देखती थी, अरे उसके पास तो बहुत महंगी महंगी चीज़ें और मेरे पास नहीं है, तो मुझे उस टाइम आइडिया नहीं था कि वो सही टाइम नहीं था मेरे लिए। आज मेरे पास सही टाइम है तो मैं सारी चीज़ें करती हूँ बट अपने बजट में, तो आप भी वही ट्राई करना। देन मैंने यहाँ पे नेक्स और फिटमी का कंसीलर यूज़ किया और इसका कंसीलर सिर्फ 1000 का था, तो काफ़ी महंगा है बट मेरी स्किन जो है ना येलो अंडरटोन में आती है तो मुझे रेयरली ये एक फाउंडेशन मिला था जो कि बिल्कुल मेरी स्किन पे सूट कर रहा था, दैट्स वाई मैंने इतना महंगा लिया। अदरवाइज मेरे जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो मैं ट्राई करती हूँ कि जितना सस्ता हो वही लूँ मैं, बट फाउंडेशन पे मैं थोड़ा सा महंगा तो होता ही है। बट आप नॉर्मली स्विस ब्यूटी का भी यूज़ कर सकते हो कंसीलर, वो बहुत सस्ता और बहुत अच्छे उनके रेंज आज के टाइम पे निकल रहे हैं। देन मैं यहाँ पे फिटमी का पोरलेस कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है। टू बी ऑनेस्ट विंटर्स में कॉम्पैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है बिकॉज ऑलरेडी हमारा फेस ड्राई होता है, फेस ऑयल नहीं निकलता है, बट थोड़ा मैं अपने लुक को मैट फिनिश देने के लिए मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज़ किया है और ये भी कॉम्पैक्ट हाईली रिकमेंडेड है और ये अराउंड 280 में आपको मिल जाएगा, तो अच्छी रील है। देन मैंने यहाँ पे क्लेमी एक लोकल ब्रांड है, इसका मैंने ब्रॉन्ज पैलेट यूज़ किया है। मेरी अभी तो जो फेस है ऑलरेडी पतली हो गई है बट बिफोर थोड़ा सा मोटा था, तो मैं ये कॉन्टोर करती थी तो मुझे पहले के दिन याद आ गए, देन मैंने वो कर लिया है। बट अगर आपका शार्प फेस है तो ये करने की ज़रूरत नहीं, बट ब्रॉन्ज लुक काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है। देन मेरा नोज़ जो है ना वो उतनी शेप में नहीं है तो मैं हल्का सा ब्रॉन्ज कर रही हूँ टू बी ऑनेस्ट, और इतनी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली लाइट वेट भी आप कर सकते हो। मैंने बट थोड़ा सा हैवी लुक किया है। यहाँ पे जैकलिन का परफेक्ट ग्लो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्लश, और ब्लश जितना लगा उतना कम है। फेस्टिवल्स है, दिवाली है, तो दिवाली में जैसा घर चमक रहे ना तो आपको भी चमकना है, तो बस ब्लश लगा लो बिना सोचे। देन मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का प्रो पैलेट ले रही हूँ और ये 150 में मैंने लिया था और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, सच बताऊँ तो। इसमें मेरा सेट ब्लैक है, मेरा नेचुरल आईब्रोज ही ब्लैक है और इसमें एक जेल भी मिलता है आईब्रोज़ में लगाने के बाद, आप उसके ऊपर लगा लोगे तो आपके जो आईब्रोज़ है इधर से उधर नहीं होंगे, तो ये बहुत अच्छा ब्रो पैलेट है। और मेरे मतलब मुझे ब्रो फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है, मेरे आईब्रोज़ बहुत लंबे हैं, मोटे हैं, बट मैं कर लेती हूँ। देन मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का आई शैडो पैलेट लिया है, इसमें मैट और सिमर दोनों था और ये भी मैंने 300 के राउंड में परचेस किया था और ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली और ये टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो ये हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग भी बाय कर सकते हो। एज अ टीनेज वाले जो लड़कियाँ होती हैं उनकी मैं प्रॉब्लम समझती हूँ क्योंकि वो फेस से ना मैं भी निकल के आऊँ, ये सारी चीज़ें करने की बहुत मन करती है बट हम उतने खर्चे नहीं उठा पाते हैं। तो ट्राई करो, लोकल ब्रांड पर जाओ और थोड़ा सर्च करके सारी चीज़ें आप बाय कर सकते हो। देन मैंने अगेन स्विस ब्यूटी का गोल्ड सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है, ये ना जब फेस पे आता है तो बिल्कुल गोल्ड गोल्ड साइन साइन आपके फेस पे दे देता है,
तो आप देख सकते हो मैं कितनी सस्ती सस्ती चीज़ें यूज़ कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं। देन मैंने यहाँ पे मेबलिन का और ब्लू हेवन का आईलाइनर और मस्कारा यूज़ किया है, और इससे मेरे आईलैसेस बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो मुझे फेक लैसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप भी कुछ भी एक्स्ट्रा मत लगाओ, अच्छे से मतलब चेक करो, और कोई भी अच्छा ब्रांड लेके आप मेकअप कर सकते हो। और देख लो, मैंने मार्स का लगाया है लिपस्टिक, जो कि एक लोकल ब्रांड है और ये काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं सिर्फ फाउंडेशन और प्राइमर पे ही खर्च करती हूँ, बाकी चीज़ों पे नहीं। और इसका सेट तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आप ट्रेडिशनल पहन रहे हो ना, तो बिंदी लगाना मत भूलना, बिकॉज़ बिंदी ना कंपलसरी होता है ट्रेडिशनल पे, और ये आपके लुक को कंप्लीट कर देता है। देन मैंने यहाँ पे ओम साइन का इयररिंग लिया था, जस्ट बिकॉज दिवाली में पहनने के लिए, तो ये मैंने पहन लिया, और ये मेरे साड़ी के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत ही सिंपल और लाइट वेट मैंने मेकअप रखा है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है। मम्मी ने चूड़ी दी थी, वो पहन लिया। ड्रीम का मैंने परफ्यूम लगा, अगेन ये लोकल ब्रांड है, बट मुझे पसंद है तो अच्छा लगा। और यहाँ पर मेरा मेकअप रेडी हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया, मैं बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करती हूँ मेकअप पर, तो आप भी वही ट्राई करना। एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल।